हेलो दोस्तों, सुकर रॉकर थंडर एक्सल कैराओके प्लेयर की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे देखा होगा। अब आइए दोस्तों, इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस यूनिट को फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए हमें पूरी तरह से इसे चार्ज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये पावर अडाप्टर जो इस प्रोडक्ट के साथ आया था उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पावर अडाप्टर की जो एक एंड जो है, इसे हम चार्जिंग पोर्ट पे लगा देते हैं इस तरह। उसके बाद ये जो पावर सॉकेट है, इसे हम मेन सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं इस तरह। अब देखिए दोस्तों, चार्जिंग शुरू हो गया है। अब इस चार्जिंग को हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि ये ब्लिंकिंग बंद ना हो जाए। इसमें अनुमानतः 5 घंटे लगेंगे। अब इस चार्जिंग के बाद हम देखेंगे आगे का परफॉर्मेंस। दोस्तों, अब 5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और देखिए पैनल पे जो चार्जिंग का जो इंडिकेशन था वो उसमें ब्लिंकिंग बंद हो गया। इसका मतलब यूनिट पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अभी देखिए दोस्तों, मैं इस यूनिट के सारे नॉब्स को बिल्कुल ज़ीरो पे रख दिया हूँ और मैं जो चार्जिंग केबल है उसको निकाल देता हूँ भी, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस यूनिट का स्विच ऑन करता हूँ, ये वाली स्विच दबा के। तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया है तो ये यूनिट स्टार्ट हो गया है। अब इस यूनिट की हम सारे फंक्शनैलिटी को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बटन को थोड़ा सा 50% तक करता हूँ ताकि मुझे साउंड सुनाई पड़ जाए। अब मेरे पास ये जो रिमोट है, मैं इस रिमोट से सारे फंक्शंस की ऑपरेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो अब इस रिमोट की पावर बटन को मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ दोस्तों, ताकि ये यूनिट ऑन हो जाए। Your Zook rocket is ready to pair. The wireless device is ready to be paired. अब ये यूनिट ने मुझे ये संकेत दिया है कि अब इसका ब्लूटूथ फंक्शन ऑन हो गया है और इस यूनिट को हम किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पैर कर सकते हैं। तो मैं अपने मोबाइल को इस यूनिट के साथ पैर करने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, मैं अपने स्मार्टफोन से इस जूकर रॉकर थंडर को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं अपने स्मार्टफोन के सेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ब्लूटूथ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ इसको ऑन कर दिया मैंने। अब ऑन करके मुझे देखना है कि ये डिवाइस दिखा रहा है क्या। ये देखिए दोस्तों, ZB रॉकर थंडर एक्सेल ये आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें। तो मैं अब जैसे इसमें इसको जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये अपने आप पैर हो गया। देखिए दोस्तों, इतना बढ़िया पहले ही इंस्टेंस में ये कनेक्ट हो गया है। तो आप देखिए दोस्तों, जितना भी म्यूज़िक फाइल है मेरे मोबाइल फ़ोन में वो ब्लूटूथ के जरिए ZB रॉकर थंडर एक्सेल के स्पीकर से आपको सुनाई पड़ रहा है। अब आइए दोस्तों, हम इस वायर्ड माइक्रोफोन को इस यूनिट में कनेक्ट करके एक कैराओके गाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इस माइक्रोफोन का जैक को जो है इस वायर्ड माइक के पोर्ट में लगा देता हूँ और मैं ये माइक्रोफोन की जो स्विच है इसको ऊपर करता हूँ ताकि ये सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। और अब ये देखिए, मैंने माइक्रोफोन का वॉल्यूम बढ़ा दिया है, थोड़ा सा बास, थोड़ा सा ट्रेबल, ये सारे की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये माइक्रोफोन में काम करने लग गया है। मैं इस माइक्रोफोन को ऐसा करता हूँ कि इसकी जो इको है इसको पूरा फुल में कर देता हूँ। और अब मैं एक टेस्टिंग करता हूँ। हेलो 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 चेक हेलो चेक। तो दोस्तों, माइक्रोफोन तो काम कर रहा है, ब्लूटूथ की कनेक्शन हो गई है। अब मैं तो कैराओके का लवर हूँ, कितनी अच्छी आवाज़ है ये तो आप ही लोग बताएंगे, लेकिन एक
कैराओके ट्रैक में इस पर सिंगिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो तैयार हैं आप मेरी इस गीत को सुनने के लिए? ये दोस्तों मैं यूट्यूब में गया हूँ, अब इस यूट्यूब में मैं कोई सा भी एक गाना सेलेक्ट करता हूँ, मैं सीधा सीधा इसमें सर्च ही कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक कैराओके ट्रैक मुझे मिल गया है, तो मैं इसी कैराओके ट्रैक को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। आवारा हूँ क्या कर दिशा हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ आवारा हूँ क्या कर दिशा हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल ठीक ठाक इसका परफॉर्मेंस है। उम्मीद है दोस्तों इस यूनिट की परफॉर्मेंस आपको पसंद आई होगी, चाहे मेरे गीत पसंद आए या ना आए, लेकिन यूनिट की परफॉर्मेंस तो फैंटास्टिक है। तो दोस्तों वायर्ड माइक की परफॉर्मेंस तो हमने देखा फैंटास्टिक लगा। अब चलिए दोस्तों इसके साथ जो हमें ये वायरलेस माइक मिला है, हम इस वायरलेस माइक की भी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये वायरलेस माइक के साथ में मेरे एक जो दो बैटरी जो इसके साथ लगेंगे वो दो बैटरी मेरे हाथ में है। तो सबसे पहले मैं इस वायर्ड माइक को हटा देता हूँ, एक तरफ कर देता हूँ, और अब मैं इस वायरलेस माइक की परफॉर्मेंस आपको चेक करके बताता हूँ। तो उसके लिए मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ये ओपन होकर ये देखिए दोस्तों इधर दो स्लॉट दिख रहे हैं आपको बैटरी के, जहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है हमें वहाँ पे बैटरी को कुछ इस तरह से फंसाना है। ये देखिए एक तरफ का हो गया है, अब ये दूसरे तरफ का है, ये भी हो गया दोस्तों। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं ज़रा सा इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इसको ऊपर करता हूँ, ये अब काम तो कर रहा है, काम कर रहा है दोस्तों। तो हम उसी ट्रैक को एक दो मिनट और प्ले करके देखते हैं। आवाज़ नहीं पर बात सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। रत्मों से भरा सीना है मेरा, हस्ती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया तो फ्रेंड्स जब हम इस यूनिट के साथ कॉर्ड वाली माइक को अटैच करते हैं तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही फैंटास्टिक लगा, लेकिन कॉर्डलेस माइक के जो परफॉर्मेंस है उससे मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन लूज कर रहा है बीच बीच में। दोस्तों इस स्पीकर की ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी को तो हमने बहुत अच्छी तरह से टेस्ट किया है, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जहाँ तक ब्लूटूथ का सवाल है ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है और आप इससे निराश नहीं होंगे। अब इसके अलावा इसमें जो और फीचर्स है वो एक ऑक्सिलरी केबल वाला एक फ़ीचर है, और उसके बाद एफएम रेडियो का एक फ़ीचर है, और उसके अलावा फिर जो भी है आपका यूएसबी फंक्शन और एसडी कार्ड का जो है उसको हम ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो यूनिट बराबर काम करेगा उससे। दोस्तों अब इसकी ऑक्स फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए मैं ये ऑक्स केबल का एक एंड को
इसके ऑक्स पोर्ट में डालता हूँ, और जो उस ऑक्स केबल का जो दूसरा एंड है उसे मैं अपने स्मार्टफोन के ऑक्स पोर्ट में इंसर्ट करता हूँ। ये इंसर्ट हुआ और ये देखिए दोस्तों कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। अब एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कैसे इसका परफॉर्मेंस है। आइए दोस्तों इस यूनिट में जो एफएम रेडियो का भी प्रोविजन है जरा उसकी भी परफॉर्मेंस को हम जरा चेक कर लेते हैं। तो अब उसके लिए मैं फिर से जो इस रिमोट के जरिए मोड में जाकर उसे एफएम मोड में लेता हूं। द वायरलेस डिवाइस इज ये आ गया दोस्तों, ये एफएम मोड में आ गया है। अब इसको अपन सर्च करते हैं। देखिए दोस्तों ये अपने आप चैनल सर्च करना शुरू कर दिया। तो देखिए दोस्तों एफएम रेडियो भी बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही प्यारा सा यूनिट है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो लोग कैराओके के शौक़ रखते हैं और जो गाए बगैर रह नहीं सकते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग में जाएं या किसी दोस्त से मिलने के लिए जाएं या किसी पिकनिक पर जाएं, हर जगह पर उन्हें जहाँ पर गाने का शौक़ है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा पोर्टेबल यूनिट है। मैं इसे पूरी तरह से रिकमेंड करता हूं कि आप इस बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप निराश नहीं होंगे। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।